यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। रज धाम राधा जी की रज धानी लागे, रज धानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। मने खारो खारो यमुना जी रो पानी स्वागत है आपका आज बांके बिहारी टेम्पल में, जो कि उत्तर प्रदेश वृंदावन में स्थित है। आज हम जानेंगे कि बांके बिहारी जी के बारे में, जो कि वृंदावन का बहुत ही प्रसिद्ध और रहस्यों से भरा एक टेम्पल है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस टेम्पल की हिस्ट्री और इसके कुछ रहस्य। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहीं से मैंने मार्केट को एंजॉय करते हुए बांके बिहारी जी के टेम्पल के नजदीक पहुंचा। बहुत ही रंग बिरंगी मार्केट है और सैटरडे का दिन था और सैटरडे संडे को आपको वृंदावन बांके बिहारी जी के टेम्पल में बहुत ही अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी अच्छा खासा क्राउड है, कितनी भीड़ थी जब हम वहाँ पे पहुंचे और कैसे लोगों के बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से आप देख ही सकते हैं, कोई हमें एक घंटा हमें बांके बिहारी जी के टेंपल में पहुंचने में लग गया था। बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। और अगर आप हम इस हिस्ट्री के बारे में जाने, इस टेंपल की हिस्ट्री के बारे में जाने, तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत वृंदावन में हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और वृंदावन की तमाम गलियों में भगवान कृष्ण जी ने लीलाएं रचाई थी। यहीं पे कृष्ण जी खेला करते थे। और बांके बिहारी जी की स्थापना अनंत भक्त स्वामी हरिदास जी ने की थी। उनको तानसेन गुरु को कहा जाता था। मान्यता है कि भगवान बांके बिहारी जी लता पता से निधि वंश के प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं, जो कि यहां से आप बाई वॉक इजिली निधिवन के दर्शन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा और निधिवन के दर्शन करवाऊंगा। और यहां से देख सकते हैं हम कैसे भीड़ से उमड़ते हुए हम बिल्कुल नजदीक अभी हम बांके बिहारी जी के टेंपल पहुंच गए हैं। बहुत ही जबरदस्त भीड़ थी। कैसे हम यहां तक पहुंचे, यहां से देख सकते हैं आप कैसे भीड़ है। और यहीं से अभी आप अंदर चलेंगे और हम दर्शन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि सैटरडे संडे किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और कैसे दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं यहाँ पे। यहाँ से देख ही सकते हैं आप। और इस मंदिर का निर्माण 1862 में हुआ था। कहा जाता है कि आज भगवान बांके बिहारी को जो भी भक्त एक तक लगाकर देख लेता है वह उसके बनकर रह जाते हैं। इसलिए भगवान बांके बिहारी जी के प्रतिमा के सामने हर दो मिनट में पर्दा डाल दिया जाता है। और ये देखिए, यहाँ से अभी हम टेंपल के अंदर आ चुके हैं। यहीं से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी। बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे को वीडियो क्लिप लेना और वीडियो बनाना। यहाँ से देख ही सकते हैं आप कितनी भीड़ है। बहुत जबरदस्त भीड़ थी। और कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहा जाता है कि हरिदास की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी ने वृंदावन के निधिवन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है। इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों ही की छवि देखी जा सकती है। इसलिए बांके बिहारी जी की आदि मूर्ति पर महिला और आदि मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन उनके दर्शन बहुत ही विशेष माने जाते हैं।
और अब आप यहां से देख ही सकते हैं कि सामने किस तरह से भीड़ आप देख सकते हैं, कैसे लोगों की भीड़ बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई हुई। यहां से अभी आप देख पाएंगे, अभी मैंने आगे से भी एक छोटा सा क्लिप लिया है, बड़ी मुश्किल से हम आगे पहुंचे, यहीं से हम अभी आगे का एक क्लिप दिखाऊंगा मैं। पूरा नज़दीक से तो हम पूरा एक उस तरह से हम क्लिप नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी हद तक जितना हो पाया हमने वीडियो को शूट करने की कोशिश करी, पूरा दिखाने की कोशिश करी। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ है, और यहाँ पे ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं होने दे रहे थे, जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ही कह रहे थे कि यहाँ से निकलते जाइए। हमने बहुत मुश्किल से हम थोड़ा सा आगे तक हम पहुँचे थे, यहाँ से देख सकते कितनी भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ थी और बहुत ही अद्भुत दर्शन थे बांके बिहारी जी के, ये देखिए यहाँ से। और अगर आप लोग भी बांके बिहारी जी के ठाकुर जी के दर्शन करना आने चाह रहे हैं तो मैं बता दूं कि मथुरा में इस बांके बिहारी जी के मंदिर के कपाट 7:45 से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं, और उसके बाद 7:55 पर सेवाओं तो द्वारा बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती होती है, फिर दोपहर 11 बजे बांके बिहारी जी को राजभोग लगाया जाता है, और आधे घंटे बाद फिर 11:30 बजे आप ठाकुर जी के दर्शन फिर से कर पाएंगे, और 11:55 पर राजभोग आरती के बाद बिहारी जी के पट पर पट को बंद कर दिया जाता है। और अगर आप शाम को अगर आ रहे हैं और शाम के समय बांके बिहारी जी के दर्शन के आप 5:30 बजे कर पाएंगे, और कपट खुलने के बाद 8:30 बजे बिहारी जी को शयन भोग लगा पाएंगे, और उसके बाद 9:05 पे दर्शन कर पाएंगे, और फिर 9:25 पर बांके बिहारी जी की शयन आरती की जाती है, और उसके बाद पट को बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से अभी हम टेंपल के बाहर आ गए, आपने देखा ही होगा कैसे लोग श्रद्धालु यहाँ पे बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, और सैटरडे संडे अगर आप आ रहे हैं तो आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी, आप देख ही सकते हैं यहाँ से। और एक चीज और बता दूं, अगर आप ठंड में आते हैं तो ठंड में यहाँ पे समय का थोड़ा बदलाव किया जाता है, जैसे आप 12 बजे तक बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं वो फिर 1 बजे तक बांके बिहारी जी के आप दर्शन कर सकते हैं, ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा जो बहुत अच्छा है। और यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है और पूरा दर्शन कराने की कोशिश करी है, यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं निधि वन दिखाऊंगा। सो इसी के साथ, सो दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो, गुड बाय।